सुना है कि आप कुल्फी के लिए काम ढूंढ रहे हैं। चिंता मत कीजिए एस एस जी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अगर मैं कुल्फी का मैनेजर बन गया तो उसे इतना काम दिलाऊंगा कि कुल्फी गाते गाते थक जाएगी और आप नोट गिनते गिनते। अच्छी बात यार, तो आज हो कल हो परसों हो, जहां बोलोगे कुल्फी को ले आएंगे। अरे एस एस जी, कल किसने देखा है, मैं आज हूँ, आज की बात करता हूँ। एक फंक्शन है पर पैसा ज़्यादा नहीं है। अगर आप कुल्फी को वहाँ ले आएंगे तो सारा पैसा कैश मिलेगा। अरे जगह बताओ यार, हम ले आएंगे कुल्फी, कुल्फी हाजिर हो जाएगी। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। वाह भाई वाह, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नेता का नाम रहेगा। ये कैसी जगह है बेटा, इसको कहते हैं चुनाव की रंगीनियां। यहाँ आएंगे बड़े बड़े नेता। मैं किसी नेता को नहीं जानती। अरे तुम नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हें जानते हैं। टीवी पे नाम जीती हो तुम, ये समझ लो जो भीड़ दिख रही है ना, सारी भीड़ ये तुम्हारे लिए आई है। अंदर चलो और गा दो आज। आओ। मैं क्या जी, ये एकदम अजीब सी जगह है। यहाँ पे मेरा गाना गाने का मन नहीं कर रहा। सिकंदर जी कोई प्रॉब्लम? तुम चलो यार, आ रहे चलो। क्या समझाए थे उस दिन, क्या मन नहीं हो रहा है, क्या समझाए थे उस दिन? अपने मन को समझाने के लिए घंटा लगाओ जोरदार अपने मन को। चलो अब गाओ। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। मैनू ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे आ गया। ये लीजिए सिकंदर। भाई साहब वर्तमान काल आज कुमार। हाँ भाई, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया है। तुम कुल्फी का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। बिल्कुल, चले मेरा स्टार बच्चा, आओ। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाय, आप? हाँ हाँ, बस वही कॉफी। हाँ, यहाँ की कॉफी बड़ी अच्छी है। ओके ओके भैया, एक्चुअली नंदिनी डॉक्टर वो टोपी वाला दोस्त, हमें पैसे कौन देगा? पूरे 2000 मिलेंगे ना? ओहो, 2000 रुपए? आइए वो देंगे आपको, ये दे दीजिए। अंकल हमने भी नारे लगाए, हम दोनों को 2000 रुपए दे दो। वाह, आए नहीं क्या पहले पैसे। रैली तो होने दो, रैली होने के बाद पैसे मिल जाएंगे। खत्म कब होगी? अरे होगी थोड़ी देर में, आप नारे लगाते रहो ना। अब आ ही गया है तो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं, पैसे मिल जाएंगे। नारे जोर जोर से लगाना, समझा? फिर से शुरू हो गई। मेरे से ज्यादा आपको कौन याद कर सकता है? मैं तो आपके साथ ही हूँ। चलो 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 बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। हम नहीं रुक सकते चश्मे वाले चाचू। मेरा स्टार बच्चा, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो और इतनी बड़ी सिंगर इन सबके बीच में थोड़ी ना बैठेगी। आपके लिए पीछे बहुत स्पेशल कमरा है, चलो मैं आपको वहां ले चलता हूँ। बेटा यहाँ वहां क्या देख रहे हो? चलो मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ, चलो। लेकिन जब हॉस्पिटल से घर भी आया ना वो, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। द वे ही स्पोक, बात करने का तरीका, उसकी आदतें सब बदल गया था। आई मीन ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभी करता है जो मुझे पसंद है। कुछ आदतें जो बदली है वो अच्छी भी है, पर कुछ आदतें नंदिनी ऐसी है जैसे कि आई एम श्योर कि मेरा पति तो ऐसे कभी लाइफ में बिहेव नहीं कर सकता। और कभी कभी मैं इतनी शॉक हो जाती हूँ, स्पेशली उसका गुस्सा तो ऐसा है जैसे कि उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। आप मुझे बताइए, एक चोट या एक एक्सीडेंट किसी इंसान को इतना बदल सकता है? मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये कहता है कि हो सकता है किसी के सर पे इतनी गहरी चोट लगे तो अपना सब कुछ भूल सकता है, सब कुछ। Really? सुन के थोड़ा तो अच्छा लगा, honestly. Sorry, मुझे पता नहीं मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, बट मुझे इतना डर लग रहा था ये बोलने में भी, यू नो, स्कैरी कि मेरा हस्बैंड है। लेकिन शायद मैं आपको जानती नहीं, हम अजनबी है, शायद इसलिए आपसे बात करने में आसानी हो रही है। बात करने के लिए अजनबियों की नहीं, दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी दिल करे तो आप मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू। यू वेलकम। मेरा स्टार बच्चा, आराम से बैठो, सब अपना है। हेलो, हाँ सर, हो जाएगा ना? आता हूँ सर। अब बेटा आप आराम से यहाँ बैठो, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ, ओके? हाँ सर। पाखी? यस पापा। मैं टोपी ले लूं? नो पापा। मैं तो लूंगा। नो पापा। अब तो ले ली। हा हा हा। अरे भाई, एक नया यूथ लीडर आने वाला था ना, भोला पटवर्धन, आया है क्या? हमें से कोई उससे मिला हुआ पहले? भोला, ओ भोला, मैं यहाँ हूँ। अरे भाई, हम कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो। मैं तो कब से ही बैठा हूँ, किसने नहीं बुलाया। आपको पता है यही भोला पटवर्धन है? शक्ल तो देखी लग रही है, अखबार में कहीं देखी होगी। भोला आप ही हो? रैली आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाता हूँ हमारे यूथ पार्टी के लीडर श्री भोला पटवर्धन जी को। चलिए इनको। अरे छोड़ो सब, चलिए। तालियां। भोला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पार्टी मेंबर्स उनसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। अब भोला जी आप लोगों के सबके सवालों के जवाब देंगे। आइए भोला जी, आइए यहाँ पे। अच्छा भोला जी, आप पहले ये बताइए कि आप गरीबी हटाने के लिए क्या करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं गरीबी कैसे हटाऊं। आप लोग भी ना एक काम कभी मत करना, अगर आप वो करेंगे ना गरीबी कभी नहीं हटेगी। क्या बोल रहे? रद्दी वाले को सामान कभी मत बेचना। रद्दी का गरीबी हटाने से क्या मतलब है? पता नहीं क्या बोल रही है। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? महिलाओं को सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत तो मुझे है। आपको पता है मेरी बीवी नंदी, जब वो गुस्से में मुझे देखती है ना तो उसकी आंखें ऐसे हो जाती है बड़ी बड़ी, मुझे बॉर्डर लगता है। मजाक की बात हो रही भोला जी। ये बताइए अगर कोई आदमी किसी औरत पे सड़क चलते हमला कर दे या उससे बदतमीजी करे तो उस औरत को कौन बचाएगा? सड़क पे चल रही औरत पे कोई आदमी हमला क्यों करेगा? और अगर करेगा तो गंदी बात है ना। वो औरत अपने किसी काम से जा रही होगी, उसको जाने दो। पापा, तो पापा की आवाज है ना? मुझे कोई मेरा सपना ना हो, मैं अपने मन में उनकी आवाज ना सुनाई दे रही हो। सब आदमियों को अपना अपना काम करना चाहिए, किसी को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अगर हम सारे अपने अपने रास्ते पे चलेंगे ना, अगर कोई किसी के आगे नहीं आएगा तो ना औरत को तकलीफ होगी ना आदमी को, है ना? भोला जी सोच बदलने की बात कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी है। भोला जी के लिए बजाओ जोरदार ताली। तुम्हारे चाचू हट जाओ ना। चाची थोड़ा हाथ हटाओ। चाचू प्लीज हट जाओ। वाले चाचू कहाँ से आ गए? बेटा नीचे उतरो ना, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने किस तरह दिखाई देगा चश्मे वाली दीदी? हम सब आपके पार्टी की रैली में आए। ये बताइए आपको अवार्ड देकर हमें क्या मिलेगा? मुझे तो पैसे मिल रहे हैं अंकल। ये टोपी वाले दोस्त बहुत अच्छे हैं। आप भी अगर अच्छे से नारे लगाओगे ना आपको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे पैसे। साड़ी वाली चाची मुझे जाने दो ना प्लीज। आप सब मेरे साथ नारे लगाओ, अच्छे से लगाओ। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। क्या बोल रहे हैं? इसको रोक। इतना पैसा पार्टी में है भी नहीं, लगता है रैली कैंसिल करना पड़ेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। लगता है ऑपोजिशन वाले आ गए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं। भागो! मिची पैसे वाले चाचू कहाँ गए? पैसे वाला चाचा आपका बैग गिर गया था। कोई और होता तो बैग चुरा कर भाग जाता। तुम तो बड़े ईमानदार हो, ये लो 2000 रुपए तुम्हारे। शाबाश शाबाश। $2000 के लिए भी एक ही नोट, $10 रुपए के लिए भी एक ही नोट। ऐसे तो कोई भी धोखा खा जाएगा। बाकी पर ये वाला बहुत बिग है पप्पू। अब चलो हमारा काम हो गया। किची मम्मी आ पाके 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 पापा दर्द हो रहा है। पाके कूल, पाके कूल, पाके कूल। कोई है भैया? प्लीज देखिए ना, पाके का खून आ रहा है। कोई देखिए ना, रुकिए ना भाई, भैया रुकिए ना। अरे चाचा रुकिए ना प्लीज। भैया देखिए पाके का खून आ रहा है। देखिए ना भैया। पापा यही थे, मैंने पता है वो यही थे। पापा मेरे बहुत पास थे, वो कहाँ गए? तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं है? पॉलिटिकल रैली थी वो, कुछ हो जाता तो। तुम पाकी को क्यों लेके गए? तो पापा का शुक्र है सब खरोच आई। कुछ मेजर हो जाता तो क्या करते भोला? शांत क्यों खड़े हो भोला? कुछ बोलो, पाकी को क्यों लेके गए थे? तुम दोनों क्या कर रहे थे वहां पे? मुझसे गलती हो गई नंदी, सॉरी। मैं बचपन से पाकी के साथ नहीं हूं ना, तो मुझे उसका ध्यान रखना नहीं आता है। धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पक्का। मम्मा पापा को मत डांटना। पापा मुझे डॉक्टर अंकल के पास भी लेके गए, पट्टी भी करवाई, और जब डॉक्टर अंकल दवाई लगा रहे थे तब फूंक भी मारा। बोला आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम खुद भी तो परेशान थे। रियली सॉरी। यहाँ तो सब एक से एक बढ़कर होशियार है। नहीं मैं होशियार नहीं हूँ मानी ना, मैं बुद्धू हूँ। एक तो मेरी वजह से पाकी को चोट लगी, और ऊपर से मैं नंदी की किताबें भी वापस नहीं ला पाया। वो जो गंदी जगह से जो पैसे मिले थे मैंने डॉक्टर अंकल को दे दिए। भोला तुम किताबों का टेंशन मत लो, वो देखो। किताबें आ गई। चल पाके कपड़े चेंज करा देती हूँ। काय करते हैं? ये वानर देव को ऐसे ही माफ कर देगी क्या? आई इसकी क्या गलती है? बच्चे हैं, खेलते हैं, गिरते चोट लगती है। अब मेरे साथ होती और उसे लगता तो। डॉक्टर के पास भी तो यही लेके गया ना आई। इससे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम क्या करता ये? देवा देवा। आई सब ठीक है आई। चल पाके। अब नंदी अच्छे से पढ़ पाएगी। अब किताबें भी आ गई और चश्मा भी। ये किताबें इसलिए आई क्योंकि पैसे मैंने दिए। थैंक यू। थैंक यू। कौन है रे तू? कौन है? हाँ आप भूल गए? मैं याद दिलाता हूँ। मैं भोला। नंदी आपकी बेटी, उसका पति। सीता राधा लक्ष्मी माता, तुझे पति का मतलब भी पता है? अगर तू सच में नंदिनी का पति है तो तेरे होते हुए मकान मालिक अजीत वो बार-बार आके नंदिनी को परेशान क्यों करता है? तू नंदिनी को बचाता क्यों नहीं? वो अजीत और उसके जैसे गंदे आदमी, उसे नंदिनी को कौन बचाएगा? घटिया है ना वो, है ना घटिया। आप बोलो ना नंदी को। पता है वो जब भी आता है ना मैं हमेशा भगा देता हूँ उसको। चिढ़ मचती मुझे उससे। ये वानर से मानुस कब बनेगा? मानुस? हाँ मानुस, मनुष्य, इंसान। ये एकाध किसी को भगा देने से कोई पति नहीं बन जाता। संरक्षण समझता है, बचाव रक्षा। सिर्फ पति बोलने से कोई पति नहीं हो जाता। पति वो होता है जो ऐसे गंदे लोगों से नंदिनी की रक्षा कर पाए। रक्षा? पहले नंदिनी का पति बनने के लायक बन। अच्छा जी, अच्छा पति। अच्छा पति बनना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।